इस इंटरव्यू में ना हम लोग इंडिया के कुछ टॉप गेमिंग टीम से बात करने वाले हैं और उनके गेमर्स से हम बात कर रहे हैं। मैं बेसिकली इस इंटरव्यू में कोशिश करूंगा कि इनसे समझूं ये लोग स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से पहले और क्या इनका इक्विपमेंट होता है। ऑब्वियसली इनके फोन्स के बारे में तो हमने सबसे सुना है कि आईफोन्स ही लोग प्रेफर करते हैं, बट जो इनके पीसीज हैं, सिम जो सिस्टम्स हैं, उनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन इनको चाहिए होती है, मैं इनका बेसिकली पूरा सेटअप भी देखना चाहता हूँ और जो इनके बूट कैंप्स है उसके बारे में समझना चाहता हूँ एंड स्ट्रेटेजाइज ये लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सो ऑल दिस एंड मोर फ्रॉम द गेमिंग वर्ल्ड इन दिस वीडियो, यू मस्ट वॉच इट। पर सबसे पहले यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें लाइक और फॉलो। नाउ ओवर टू द गेमर्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैट। अच्छा मुझे बताना, आई विल स्टार्ट विद अमन। मुझे अमन बताना, मुझे पीछे आपका पूरा सेटअप दिख रहा है, ये आपका बूट कैंप है या ये घर का ही सेटअप है? ये बूट कैंप है हमारा जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, ये मेरा सेटअप है। And then ये जो PC है ये Regaldos का है and next one is the Viper, हमारा तीन लोगों का इधर है and the Mortal का नीचे है, तो हम चारों लोग इधर ही स्ट्रीम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ टूर्नामेंट्स खेलते हैं एंड वी हैव वाईफाई हियर जो कि बहुत ही फास्ट है, सभी बंद नहीं होता है एंड इन्वर्टर है एकदम सब स्टार्ट है इधर। तो मुझे थोड़ा सा क्या क्या पड़ा है आसपास आपके, चेयर्स आई कैन सी 3 वेरी स्पेसिफिक टू गेमिंग चेयर्स। यस यस मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा यहाँ ऊपर एक सोल का लोगो है, क्या बात है, लाइट चल। एंड देन वी हैव अ टीवी जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कोई भी, हम चारों का पीओवी उस टीवी में चलता है। एंड देन जब भी हम मरने के बाद एनालाइज करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे मरे उस टाइम, ये हमारा टीममेट क्या कर रहा था। देन मेरा सेटअप तो ये रहा, कुछ ऐसा सेटअप। लवली। यस आई एम यूजिंग, मतलब ये मैंने खुद नहीं बनवाया था, सब चीज अलग है इसमें, ग्राफिक कार्ड MSI का है एंड देन प्रोसेसर इंटेल का है। कैन यू टेल मी एग्जैक्टली क्या कॉन्फ़िगरेशन है जो सिस्टम आपने खुद बनाया था एज पर योर गेमिंग रूटीन? यस यस ऑफ कोर्स, मेरा RTX 2080 Ti ग्राफिक कार्ड है एंड i7 9700K इंटेल का प्रोसेसर है एंड देन लिक्विड कूलिंग है। देन आई हैव 32GB RAM, ओके, देन 240 hertz monitor, right, then I don't know the company name, कौन सी कंपनी का, and HyperX keyboard, बहुत अच्छा keyboard है। सब कुछ आपने खुद ही assemble किया हुआ है with all of yes them. Exactly, ये मेरे को बहुत ही पसंद है, एकदम color change होते रहते हैं इसके, इसको भी customize कर सकते हैं। and I have a the one thing जो लोग लोग गाली देते हैं Elgato को क्योंकि वो डिसकनेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने एक इनबिल्ट कैप्चर कार्ड लगा रखा है जो सिर्फ एक ही वायर आता है इधर से, तो उससे मेरे को इशू नहीं होता है कि बंद चालू हो। या दिस इज माय सेटअप एंड आई हैव द वायरलेस माइक आल्सो, माय वायरलेस हेडफोन जो कि पीसी से कनेक्टेड है, सो आई कैन गो नीचे खाना वाना लेके आओ एंड ऑल। एंड दिस इज द माय कैमरा। टोटल कितना खर्चा हुआ है आपके अपने सिस्टम में, हाउ मच हैव यू स्पेंट टू गेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर? इट्स अराउंड maybe 3 lakh. 3 lakhs आपका पूरा इस पे? 3 lakh, yes, 3 lakh. ये सारा कुछ कमाया हुआ है from your gaming tournament? Yes. सबसे पहले मैंने जब कमाया था तब ये मेरा iPhone XS Max था, मतलब जब सबसे पहले चाहिए होता है गेमर को एक डिवाइस, क्योंकि डिवाइस के बिना कुछ नहीं होता है। right. तो जब हम मोबाइल गेमिंग में आए थे मैं OnePlus 5 से खेलता था एंड देन उसके बाद मैंने YouTube चालू किया, YouTube से पैसे आए, धीरे धीरे थोड़े मैंने भी लगाए, थोड़े मैंने लोन लिए, मैंने YouTube से कमा के ये फोन लिया, देन उसके बाद मैंने YouTube को बढ़ाया, फिर वापस लोन चुकाया, देन उसके बाद धीरे धीरे करके PC बनवाया और। How do you strategize for a game? मतलब टीम में एक बन के जा रही है तो कैसे strategize करते हो? हमारे ग्राउंड फ्लोर पे 4 मैप्स लगे सबसे पहले, अगर जो भी टूर्नामेंट होता है जितनी भी टीम्स आ रही होती है तो उसके सबसे पहले हम लोग मार्क्स लगाते कि यहाँ पे ये टीम आ रही है। So, this is the map, basically, one of the map from PUBG Mobile. तो 4 मैप्स है टोटल पबजी मोबाइल के अंदर एंड उसमें से एक ही है, तो ये सबसे मेन मैप है जो स्टार्टिंग में रिवील हुआ था गेम के साथ, तो सबसे ओल्डेस्ट मैप है एंड ये जैसे कि आप देख सकते हो जैसे इधर नाम लिखा हुआ है जॉर्जो पुल, गटका, पोचिंकी, रोजो, इस तरह की टोटल 16 सिटीज है पूरे मैप में। ये मैंने आपको 4 बताई है, वैसे टोटल 16 है, तो उस हिसाब से बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 टीम से खेलती है गेम के अंदर। Right. एक गेम के अंदर जो प्रोफेशनल होता है, तो 16 और हर एक टीम का अपना अपना एक ड्रॉप लोकेशन सिटी होता है।
तो कोई जैसे छोटे छोटे ये एकदम विदाउट नेम वाली सिटीज है बाहर के एकदम, तो कोई ऐसे लूटना पसंद करता है, कोई पूरी की पूरी सिटी लूटना पसंद करता है ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज, और कोई कोई सिटीज ऐसी होती है कि जिसमें दो या तीन टीम्स एक साथ आती है क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है कि वो दो तीन टीम्स को लूट दे सकती है। तो इस तरह से हर एक सिटी के पास हमने टीम का नाम लिखा था, जैसे इधर सिनर्जी है, इधर टीपी है, एंड इफ यू टॉक अबाउट सोल तो सोल इधर है, गॉड लाइक का बात करते तो गॉड लाइक इधर है जिस टीम से मैं हूँ, एंड इस तरह से बाकी दूसरी टीम्स का भी हमने नाम रखा है कि ये यहाँ पे उतरती है वो यहाँ पे उतरती है, इस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं। अच्छा, लाइक एरोस बनाते हैं कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे ऐसे वैसे जाएंगे। नाइस, ये दूसरा मैप है। ओके, और ये थर्ड मैप है। वेरी नाइस, very nice talking to all of you all. Aman, Mukul, Kushagra, Daljeet and Gopal, thank you so much for your time.